एंटीजन क्या होता है? एंटीजन जो होता है, एंटीजन इज अ टॉक्सिक और फॉरेन सब्सटेंसेस विच कैन ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को कर सकता है. और एंटीबॉडी इज वॉट, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, एज अ क्विक लेके चलूंगा इम्यूनोलॉजी के बारे में. ठीक है, सो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है. एंटीबॉडी जो होता है, ब्लड प्रोटीन जो कि एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, एंटीजन जो होता है, एंटीबॉडी जो होता है, ब्लड की या एंटीजन के अगेंस्ट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है. एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? चलो, एंटीजन इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ग्रुप्स आर बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंटीजन ऑन द सर्फेस ऑफ हीमोग्लोबिन, उनके बेसिस पे होता है एबीओ की जो ब्लड ग्रुपिंग होती है, एबीओ की जो ब्लड ग्रुपिंग होती है उन्हीं के बेसिस पे होता है. एग्लूटिनेशन जो कि फॉरेन रिस्पॉन्स होता है फॉर एन हीमोलिसिस, द हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉयड एंड एक्यूमुलेट्स इन द वेसल्स. जो हीमोलिसिस, ब्लड का टूटना, कैन अक्योर द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड गिवेन. ठीक है, जो आपके एंटीजन ए होते हैं ब्लड ग्रुप, एंटीजन ऑन द आरबीसी, एंटीजन ऑन द प्लाज्मा, जो एंटीजन होते हैं ए, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए प्लस बी, नाइदर ए प्लस बी, ये इस तरीके के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. फिर एंटी बी एंटीबॉडी होता है, एंटी ए एंटीबॉडी, नाइदर एंटीबॉडी कोई नहीं बनता है, जो कि आपके ए प्लस बी एंटीजन जब दो होते हैं, और बोथ एंटीबॉडी बनते हैं जब नाइदर ए और बी इस तरीके के फॉर्म में आते हैं. सो ब्लड टाइप के फॉर्म में एक चीजें आती है, जो कि ब्लड पे कौन किस फॉर्म में होता है. ए ब्लड ग्रुप पे जो प्रेजेंट होता है वो ए ब्लड ग्रुप पे प्रेजेंट होता है फ्यूकोज ए. सॉरी, देखने की कोशिश करिएगा कि जो आपका क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, ओ ब्लड ग्रुप पे सिर्फ प्रेजेंट होता है फ्यूकोज. क्या होता है? फ्यूकोज प्रेजेंट होता है. उसके बाद ए पे प्रेजेंट होता है फ्यूकोज, फ्यूकोज के साथ साथ प्रेजेंट होता है गैलनेक. गैलनेक का मतलब होता है गैलेक्टोज एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन. ठीक है, गैलनेक होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन. बी पे होता है फ्यूकोज, फ्यूकोज प्रेजेंट होता है प्लस यहाँ पे क्या होता है, गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है पी पे. एंड जो ए बी पे होता है, यहाँ पे तीनों प्रेजेंट होता है, इसके पास फ्यूकोज भी होगा, गैलेक्टोज भी होगा और गैलनेक भी होगा. इज इट क्लियर? चलो, कभी कभी कंफ्यूजन होता है किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होगा, ये आपके सर्फेसिस के पार्ट आते हैं. मैं आपको एक कोड बता देता हूं, अगर याद रखना. क्या कोड याद रखना आपको जी? क्या कोड याद रखना? अमीर लड़की है, अगर अमीर लड़की है, अमीर गर्ल है, अमीर गर्ल, ठीक है, गर्ल का मतलब अमीर गर्ल है, तो उसके नखरे होंगे, नखरे होंगे, ठीक है, दैट अमीर गर्ल होगी तो उसके नखरे होंगे, सीधी सी बात है. सो याद रखना कि अगर वो ए है तो उसके पास गैल नेक होगा, उसके पास गैल नेक होगा. ठीक है, सो अमीर गर्ल होगी तो नखरे होंगे, आप इस तरीके से कोड याद रखना, अगर कभी भी कंफ्यूजन होगा किसमें गैल नेक होता है, किसमें गैलेक्टोज होता है. इज इट क्लियर? चलो आगे मूव करने की कोशिश करते हैं. देखिएगा, ये सिर्फ कोई माइंड नहीं करेगा, एज अ जोक सा पार्ट था. अगर कोई अमीर होता है जिसके पास बहुत सारे हीरे जवाहरात है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तिजोरी में रखने के लिए है, क्योंकि असली अमीरी दिमाग से होनी चाहिए, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है, गरीब लड़की के नहीं होंगे, पता नहीं, नखरे अमीर लड़कियों के ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको वैल्यू नहीं पता होता है एक्चुअली जो पैसे की होती है, या एक्चुअली जो सिचुएशंस होता है. कहते हैं जो जितना कहते हैं एक्सपीरियंस किया रहता है, वो उतना ही इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट उसके अंदर आता है. ठीक है, जितना जो कम एक्सपीरियंस करता है, कहते हैं जितना तपाओगे उतना ही सोना खरा होगा. एग्जैक्टली स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स वही आपको करना है. स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में कुछ इस तरीके से कहते प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि मैक्रोफेज आएगा यहाँ पे. ठीक है, वन बाय वन देखने की कोशिश करना. यहाँ पे क्या जाएगा? मैक्रोफेज आएगा. मैक्रोफेज टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इंगल्फ्ड इन द पैथोजेंस. मैक्रोफेज आया, फिर हेल्पर टी सेल्स या लिम्फोसाइट्स आएंगे, वो बाइंड करेंगे एंटीजन यूजिंग रिसेप्टर से. उसके बाद टी सेल बाइंड टू द बी सेल लिम्फोसाइट विद द सेम रिसेप्टर प्रोटीन, और बी सेल को एक्टिवेट कर देगा स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स में. मैक्रोफेजेस इंजेस्ट द पैथोजन एंड डिस्प्ले द displays antigen of it, display करेगा. second helper T cell specific to the antigen is activated by the macrophage. helper T cell को activate किया यहाँ पे, helper को activate करेगा. B cell specific to the antigen is activated by the proteins from the helper T cell. वो क्या करेगा? वो जाके B cell को activate करने की कोशिश करेगा. B cell divide होगा repeatedly. B cell divide होके memory cells और antibodies का formation करने शुरू कर देगा. Is it clear guys? So ये आपका
बी सेल का जो जनरल एक फंक्शन होता है स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स पे। प्लाज्मा सेल्स एक ऐसे सेल्स होते हैं मेच्योर बी सेल्स जो कि एंटीबॉडीज को बनाते हैं। क्लोनल सिलेक्शन एंड मेमोरी सेल फॉर्मेशन जो 4 to 6 स्टेप्स है इस प्रोसेस में, 4 to 6 स्टेप्स की आफ्टर बी सेल एक्टिवेशन वो मेमोरी सेल में डिवाइड होगा और आपके ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स जो कि डिफ्रेंशिएटेड बी सेल्स होते हैं। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस मोर क्लोन्स एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के फंक्शन में जो पार्ट आते हैं ऑप्सोनाइजेशन आता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था ऑप्सोनिन के बारे में, कौन ऑप्सोनिन का रोल प्ले करेगा। आप देख सकते हो ऑप्सोनाइजेशन के बारे में यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद अगर बात करो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारी चीजें, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द टॉक्सिन्स, एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड एग्लूटिनेशन प्रोसेसेस, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होती है यहाँ पे जो कि ये फंक्शंस के फॉर्म में होते हैं। इसके बाद इम्यूनिटी जो होती है, ये सारी चीजें आपको डिस्कस की जा चुकी है। इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी टू अ डिजीज, इम्यूनिटी टू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज विच रिकॉग्नाइजेस एंटीजन कॉजिंग डिजीजेस, ठीक है, ये आपकी इम्यूनिटी होती है। अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या होता है, इम्यूनिटी होता है। अगर इससे बात करेंगे इम्यून सिस्टम रिलीजेस मेमोरी सेल्स एंड एंटीबॉडीज इन द रिस्पॉन्स टू द चैलेंज। उसके बाद रोल ऑफ वैक्सीन टूवर्ड द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के लिए क्या रोल होता है वैक्सीन का। वैक्सीन जो होते हैं वो कंटेन करते हैं वीकेंड पैथोजेंस और एंटीजेंस दैट कैन ट्रिगर द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बट नॉट कॉज द डिजीज। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स अकर्स इफ द सेम पैथोजन इंटर बाय द इन्फेक्शन। स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स आता है जब क्या होता है कि अगर आपका इन्फेक्शन के थ्रू वो माइक्रोब दोबारा अपियर होता है तो। अब एथिक्स बिहाइंड द जेनर वैक्सीन, जेनर ने इसको वैक्सीन किया था, स्मॉल पॉक्स कैन बी फेटल, उसके लिए इन्होंने डिजाइन किया था, ठीक है। नाउ देखने की कोशिश करिएगा कि क्या होता है इरेडिएशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स, इरेडिक्शन ऑफ द स्मॉल पॉक्स के बारे में बात करें तो ओनली ह्यूमन कैन गेट स्मॉल पॉक्स। सिम्टम्स आर ऑब्वियस, फास्ट वैक्सीनेशन करना होता है एंड इम्यूनिटी ऑफ टू द स्मॉल पॉक्स इज टू लॉन्ग टर्म के लिए होता है, नो इन्फेक्शन होता है। अगर एक बार स्मॉल पॉक्स हो गया तो वो दोबारा स्मॉल पॉक्स दोबारा नहीं होता लाइफ में, एक बार बहुत लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी इसमें प्रोड्यूस की जाती है। वैक्सीन के लिए एक टर्म यूज होता है एपिडेमोलॉजी, क्या होता है एपिडेमियोलॉजी में मतलब स्टडी ऑफ द डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉजेस विद इन द पॉपुलेशन प्रिडिक्टिंग द आउटब्रेक्स, ये होता है आपका एपिडेमियोलॉजी। और एक होता है जूनोसिस, द जूनोसिस डिजीज दैट कैन अक्रॉस द स्पेसिफिक बैरियर, जूनोसिस का मतलब डिजीज दैट कैन क्रॉस द स्पेसिफिक बैरियर, ये होता है जूनोसिस। ये कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आपको टर्म्स पता होने चाहिए, कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। हिस्टामिन्स के बारे में, हिस्टामिन्स क्या करता है, हिस्टामिन्स वाइट सेल कैन प्रोड्यूस द हिस्टामिन्स, क्या होता है ये आपका एक इम्यून कॉम्पोनेंट होता है जो कि एलर्जी को कॉज करता है, इचिंग म्यूकस सिक्रीशन को कॉज करता है। प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपको बताया जा चुका था कि एक आपका एंटीजन पहले माउस में लेके जाएंगे जहां से प्लाज्मा सेल लेंगे, ठीक है, प्लाज्मा सेल लेंगे और ट्यूमर सेल, प्लाज्मा सेल और माइलोमा सेल्स को लेके हाइब्रिडोमा बनाएंगे जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का सिक्रीशन करता है। यहाँ पे कई सारी चीजें होती है, हैट मीडियम पे आप सिलेक्शन भी करते हो, हैट मीडियम जो मैंने बताया था, हैट मीडियम माइलोमा सेल एजीपीआरटी निगेटिव होता है, ये सारी चीजें आपको होती है, डिस्कस किया जा चुका है आपको पहले ही, कहते हैं कि कुछ क्लासेस में। Animals is injected with the antigen produces plasma cells. Plasma cells connected to the spleen. Spleen से collect किया गया, उसके बाद myeloma cells से fuse किया गया, hybridoma बना, hybridoma screen किया जाता है HAT medium में, जिसके बाद उसको monoclonal antibody produce की जाती है। एक आता है pregnancy test, employ the monoclonal antibody. Monoclonal antibody से pregnancy test भी किया जाता है। Pregnancy test kit are used monoclonal antibodies to detect the HCG in urine. What is HCG? HCG क्या है? कोई बताएगा? हाँ जी। कोरियोनिक होता है या क्रोनिक होता है? चलो बढ़िया है, कुछ तो पता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन होता है। चलो बढ़िया,
इस हार्मोन के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती है, इस हार्मोन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई जाती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो कि अब देखिएगा कि कैसे टेस्ट करेंगे, ठीक है, कैसे टेस्ट करेंगे। ये प्लेसेंटा इसको करता है और इसमें क्या होता है कि देखिएगा आपके पास प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट क्या होता है, ये एंटीबॉडी जो होता है एचसीजी सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई एचसीजी नहीं है। तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन रहा है, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन रहा है, आप देखेंगे से इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से कोई रिएक्शन नहीं हुआ। जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो ये यहाँ पे जाके देखिएगा एचसीजी एचसीजी बाइंड नहीं किया, बाइंड नहीं किया तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब आप देखोगे प्रेग्नेंट में आपके इस पर्टिकुलर फॉर्म में एससीजी सिक्रीट हो रहा था, एससीजी इस पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करता है एंटीबॉडी से, और यहां से ये डाइज जो होती हैं वो डाइज अब बाइंड कर लेती हैं और कलर शो करने लगती हैं, ठीक है, इज इट क्लियर। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी टेस्ट है जो कि एक एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को यूज करके किया जाता है, ठीक है। Hey guys, my name is Viren Singh. So, Unacademy पे मैं प्लस और आइकॉनिक के लिए पढ़ाता हूँ, तो क्रैक करिए CSIR को विद मी Viren Singh ऑन Unacademy, जहाँ पे कई सारे कोर्सेज जो है वो चलते रहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ, सो प्लस कोर्सेज इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर लाइव क्लासेस कोर्स एंड PDF एंड क्विजेस मिलते हैं। आइकॉनिक में इन सबके अलावा आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यूज़ करें रेफरल कोड विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। वेरिस बैच कोर्सेज इज रनिंग, बैच 2, 5 एंड 7, इन बैच कोर्सेज में भी आप जुड़ सकते हैं, या तो इंडिविजुअल कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे यूनिट 13, 8 एंड डिफरेंट यूनिट्स जो है मैं डील करता हूँ। प्लस के जो फीचर्स है, जहाँ पे फुल लेंथ कोर्सेज, MCQs एंड PYQs, न्यू बैचेज एवरी वीक, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, वीकली क्विजेज इन एवरी कोर्सेज, फुल मॉक टेस्ट एंड ऑल सब्जेक्ट्स बायलिंगुअल आपको मिलते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक में आपको मिलता है कई सारी चीज़ें। इन सब के अलावा हम और सारी चीज़ें इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, सिनेप्सिस, प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो जुड़िए अनअकैडमी के साथ, 6 मंथ की कॉस्ट इतनी है। अगर आप प्रेफर कोड विरेन और विरेन लाइव यूज़ करते हैं तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस फ्री होती हैं। पोस्ट द लर्नर का ऑप्शन यूज़ करिए, रेज योर हैंड का ऑप्शन यूज़ करिए, डायरेक्ट अपने एजुकेटर से बात करिए, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स एंड एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर, ये चीज़ें ले सकते हैं। स्पेशल क्लासेस कई सारी जो है आपके मेरे प्रोफाइल पे जाके अवेलेबल हैं, देख लीजिए, और अपकमिंग भी वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑफर्स चल रहे हैं 12+2 27 अक्टूबर तक, और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 31 अक्टूबर तक ऑफर है, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको मेगा ऑफर जो चल रहा है। आज का डाउट फीचर भी आ चुका है, इसका फीचर भी यूज कर सकते हैं आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, एंड 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो हर यू गाइस, सब्सक्राइब नाउ एंड यूज द रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट।